हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन में हम ये देखने वाले हैं कि हम विंडोज 10 कंप्यूटर के अंदर किसी भी प्रोग्राम को ओपन करने के लिए अपना कस्टम शॉर्टकट किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि हम अपना मनचाहा शॉर्टकट यूज करके किसी भी प्रोग्राम या एप्लीकेशन को किस तरह से ओपन कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हो कि विंडोज 10 कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे सिस्टम बिल्ट इन शॉर्टकट्स हैं, जिसकी हेल्प से हम बहुत सारे एप्लीकेशंस को डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। जैसे आप जानते हो कि विंडोज की, और अगर आप यूज करते हो पॉज ब्रेक की, तो उसकी हेल्प से आप सिस्टम प्रॉपर्टीज को क्विकली ओपन कर पाओगे, जैसे कि कुछ इस तरह से। ओके, सो सिस्टम इन्फॉर्मेशन एक्सेस करने के लिए जो शॉर्टकट की है वो है विंडोज की प्लस पॉज ब्रेक की। अगर आप क्विक एक्सेस मेनू ओपन करना चाहते हो, यानी कि जिसकी हेल्प से हम स्टार्ट बटन के ऊपर राइट क्लिक करके जो मेनू ओपन कर रहे, अगर आपको उसे ओपन करना है, तो उसके लिए जो डायरेक्टली शॉर्टकट है वो है विंडोज की प्लस एक्स, जिसकी हेल्प से आप क्विक एक्सेस मेनू को क्विकली एक्सेस कर सकते हो। एक और शॉर्टकट जो विंडोज के अंदर अवेलेबल है वो है विंडोज आर, जिसकी हेल्प से आप रन मेनू को क्विकली ओपन कर सकते हो और यहां से पर्टिकुलर प्रोग्राम का जो शॉर्टकट है उसे रन करके उस प्रोग्राम को ओपन कर सकते हो। बट ये जो सारे शॉर्टकट्स है वो है सिस्टम के बिल्ट इन शॉर्टकट्स। अगर आपको अपना खुद कस्टम शॉर्टकट क्रिएट करना हो, तो उसके लिए हमें क्या करना है वो हमें इस वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन में देखना है। जैसे आप यहाँ पर डेस्कटॉप के ऊपर देख रहे हैं कि हमारे पास वीएलसी मीडिया प्लेयर है, जो हमने लास्ट वीडियो के अंदर इसमें इंस्टॉल किया था, तो हम उसे ओपन कर लेते हो, जिसके लिए सिंपली हम यूज करते हैं माउस का और कीबोर्ड का, जिसकी हेल्प से हम पर्टिकुलर प्रोग्राम को ओपन करते हैं। बट मैं ये चाहता हूं कि हम शॉर्टकट की यूज करें, जिसकी हेल्प से मैं वीएलसी मीडिया प्लेयर को ओपन करना चाहता हूं। इसे हम एक बार क्लोज कर देते हैं और जो शॉर्टकट क्रिएटेड है डेस्कटॉप के ऊपर, यानी कि जो वीएलसी मीडिया प्लेयर का आइकन है, वहां पर उसे सिलेक्ट करने के बाद आपको वहां पर राइट क्लिक करना है। यहां से आपको सिलेक्ट करना है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज के अंदर यहां पर आप देख रहे हो जो शॉर्टकट टैब है वहां पर हमें मिल रहा है शॉर्टकट की, जो बाय डिफॉल्ट सेट है नन। आपको यहां पर शॉर्टकट की टाइप नहीं करनी है, बट यहां पर सिंपली आपको कर्सर को शॉर्टकट की के अंदर प्लेस करना है और जो शॉर्टकट की आप इसके लिए असाइन करना चाहते हो वो अभी आपको कीबोर्ड से टाइप कर दिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं वीएलसी मीडिया प्लेयर को ओपन करने के लिए जो शॉर्टकट देना चाहता हूं वो है कंट्रोल अल्टर वी, जो मैं यहां से स्पेसिफाई कर रहा हूं। मैं वापस आपको बता दूं, उसके लिए शॉर्टकट की आपको यहां पर मैन्युअली लिखनी नहीं है, सिर्फ आपको उसको कीबोर्ड से वो की कॉम्बिनेशन प्रेस करना है, वो ऑटोमेटिकली शॉर्टकट यहां पर असाइन हो जाएगा। सो वीएलसी मीडिया प्लेयर के लिए जो मैं मेरा कस्टम शॉर्टकट है जो मैं देना चाहता हूं वो है कंट्रोल अल्टर वी। ओके, जैसे आप यहां पर देख रहे कि जो की कॉम्बिनेशन है वो यहां पर आ चुका है, कंट्रोल प्लस अल्टर प्लस वी। क्लिक करते हैं अप्लाई के ऊपर और क्लिक करते हैं कंटिन्यू पे, क्योंकि ये सेटिंग्स चेंज करने के लिए हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेज होना जरूरी है। ओके, और क्लिक करते हैं ओके बटन के ऊपर। सो नाउ आप जैसे देख रहे कि हमने वीएलसी मीडिया प्लेयर को ओपन करने के लिए जो शॉर्टकट की असाइन की है वो है कंट्रोल अल्टर वी। तो देख लेते हैं कि क्या हम कंट्रोल अल्टर वी कॉम्बिनेशन की हेल्प से वीएलसी मीडिया प्लेयर को ओपन कर सकते हैं या नहीं। सो मैं अपने कीबोर्ड से टाइप करने के लिए जा रहा हूं कंट्रोल अल्टर वी, और जैसा आप यहां पर देख रहे हैं वीएलसी मीडिया प्लेयर सक्सेसफुली लॉन्च हो चुका है, जिसके लिए जो मैंने शॉर्टकट की यूज की वो थी मेरी कस्टम क्रिएटेड शॉर्टकट की कंट्रोल अल्टर वी। दूसरा जो मेथड है कि मान लो वो प्रोग्राम यहां पर आपके डेस्कटॉप के ऊपर अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए आप मैन्युअली भी शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हो, जिसके लिए आपको फ्री स्पेस पे, जहां पर डेस्कटॉप के ऊपर फ्री स्पेस है वहां पर राइट क्लिक करना है, यहां से सिलेक्ट करना है न्यू, और यहां से मैं ले लेता हूं शॉर्टकट। यहां से मैं लोकेशन ब्राउज कर लेता हूं जो मैं देना चाहता हूं, फॉर एग्जाम्पल सी ड्राइव के अंदर विंडोज के अंदर सिस्टम 32 के अंदर होगा कैल्सी। ओके, सिलेक्ट कर लेते हैं, फाइन। सो यहां पर मैं शॉर्टकट क्रिएट कर रहा हूं कैलकुलेटर को ओपन करने के लिए, क्लिक करते हैं फिनिश पे, और जो कैलकुलेटर का शॉर्टकट है वो यहां पर ओपन हो चुका है। इस पर डबल क्लिक करके हम वेरीफाई कर लेते हैं कि कैल्सी ओपन
होता है या नहीं। ओके, इसे क्लोज कर देता हूं। और कैलसी के लिए अगर आप शॉर्टकट डिफाइन करना चाहते हो तो आपको यहां से सिलेक्ट करना है प्रॉपर्टीज, और यहां पर भी शॉर्टकट की है। मैं आप कैलकुलेटर के लिए जो शॉर्टकट की देना चाहता हूं वो है कंट्रोल अल्टर सी। फाइन, क्लिक करते अप्लाई के ऊपर, क्लिक करते हैं ओके के ऊपर, और अब मैं यहां पर रिफ्रेश कर लेता हूं। फाइन, अब हम कैलकुलेटर को लॉन्च करने के लिए जा रहे हैं, जिसके लिए हमने जो शॉर्टकट की असाइन की है वो है कंट्रोल अल्टर सी। और जैसे आप यहां पर देख रहे हैं कि कैलकुलेटर भी सक्सेसफुली ओपन हो चुका है। सो इस तरह से आप विंडोज 10 कंप्यूटर के अंदर किसी भी एप्लीकेशन या प्रोग्राम को ओपन करने के लिए अपना खुद का कस्टम शॉर्टकट भी असाइन कर सकते हो। इस वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।